नमस्कार साथियों, आज है 19 सितंबर। तो 19 सितंबर के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रीट भर्ती 2016 में रिक्त रहे 678 पदों को भरने की मांग, नए पद स्वीकृति के लिए सौंपा है ज्ञापन। जसवंतपुरा राजकीय विद्यालय तबादले के बाद कम हुए पद, सरकार फेल ग्रामीण पास। ग्रामीणों ने अपने खर्चे पर रखे शिक्षक, हर माह करीब 1,25,000 रुपये का वेतन वो भुगतान कर रहे हैं ग्रामीण। 3 लाख शिक्षकों का विरोध, आधे पदों को सीधी भर्ती से भरने की उठी मांग, 23 से करेंगे आंदोलन। ग्रामीण ओलंपिक का असर, पहले बच्चों की अब टीचर्स की खेल कूद स्पर्धा हुई रद्द। तिथियां समान होने से शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी है वो किए। INC ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन, BSc नर्सिंग छात्र पढ़ेंगे कोरोना और स्वाइन फ्लू। विद्यालयों ने नहीं ली समानता, विद्यार्थियों के भविष्य पर है संकट। 1 अक्टूबर से 5 साल से ऊपर उम्र के लोगों के वो नहीं बनेंगे अब आधार कार्ड। RS भर्ती 2021 में अभ्यर्थी आज से ऑनलाइन भर सकेंगे विस्तृत आवेदन, सेवा प्राथमिकता क्रम भी देना होगा। जिन्होंने RS परिपास कर लिए वो फॉर्म भर सकेंगे। जोसा काउंसलिंग 2022 1,21,914 स्टूडेंट्स ने भरी चॉइस, देरी से आवेदन की सजा होनार, अच्छे कॉलेजों से वंचित हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश का मामला, विद्यार्थियों ने शुरू किया है विरोध। यहाँ पर शारीरिक शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को दे दिया है ज्ञापन, शारीरिक शिक्षकों की ज्वलंत मांगों का 10 सूत्री मांग पत्र के साथ संघ का प्रतिनिधिमंडल मिला मुख्यमंत्री से। ये 10 सूत्री मांगे आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सूची से अधिक आरक्षित सूची में शामिल असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स इंटरव्यू का परिणाम घोषित, तबादला नीति बनेगी तो नेताओं के घर नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। वन विभाग की अनूठी पहल, 10,000 स्कूली बच्चे घूमेंगे जंगल, करेंगे सफारी। 2015 में लागू स्टाफिंग पैटर्न की एक बार भी समीक्षा नहीं हुई। आज के समाचार यहीं से होते। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।